जो प्रेममयी दुनिया मेरे आसपास रची जाती है, उस पर मोहित होते हुए महाराज जी के साथ उसी मार्ग पर आज भी चल रहा हूँ। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। कभी कभी महाराज जी आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल कर देते जब आप गत बातों का अवलोकन करते हैं। यह केवल तभी जान पाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब चीन ने 1960 में भारत पर हमला किया था, तब भक्तों ने महाराज जी से पूछा कि चीनी क्यों आए थे। महाराज जी ने कहा, आपको जगाने के लिए। मेरा विश्वास है कि महाराज जी आपके लिए चीज़ें इसलिए मुश्किल बनाते हैं क्योंकि वे आपको कुछ बेहतर के लिए जगाना चाहते हैं। मैं रॉकीज में एक शहर में कई वर्षों तक रहा और 20 साल तक वहाँ काफ़ी अच्छा किया। हालांकि कुछ मुश्किल समय भी आए, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा कि महाराज जी मेरी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। फिर भी मैं अंदर से दुखी था क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी और जिस औरत का मैंने कई वर्षों से सपना देखा था वह मुझे नहीं मिली थी। ताउस में हनुमान को खोज पाने के बाद कई सालों तक मैंने योजना बनाई, किसी दिन मैं वहाँ रहने लगूँगा और उनके आश्रम में साधना और सेवा करूँगा। लेकिन मैं अच्छा पैसा कमा रहा था, मेरे पास एक अच्छा घर था और जहाँ मैं रह रहा था वहाँ सब कुछ इतनी अच्छी तरह चल रहा था। ऐसा लगता था कि मैं कभी कुछ और कर ही नहीं रहा था। फिर एक साल के दौरान ऐसा लगा था कि सब परिस्थितियाँ मेरे खिलाफ़ हो गईं। मैंने अपने आप को कई लोगों के साथ कठिन द्वंद्व में पाया। मैंने अपनी अच्छी नौकरी खो दी, मैंने अपने घर में दिलचस्पी खो दी और जिन चीज़ों में एक समय में मुझे आनंद आता था, अब मुझे वे ओछी या तुच्छ लगने लगे। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें मेरे खिलाफ़ जाने लगीं, चीज़ें टूटने लगीं, बुरे संदेश मेरी आंसरिंग मशीन पर छोड़े जाने लगे और नकारात्मक की भावना मुझ में भर गई। अप्रत्याशित रूप से मुझे अजीब अजीब तरीक़ों से ताउस आश्रम के बारे में याद दिलाते संकेत मिलने लगे, जैसे साइन या बम्पर स्टिकर देखना या अपने आसपास के लोगों को ताउस आश्रम के बारे में बातें करते हुए सुनना और कभी कभी लोग मुझे यह भी कहते, आपको ताउस आराम करने के लिए जाना चाहिए। अंत में मैंने अपना सामान ताउस ले जाना शुरू कर दिया। ताउस पहुंचने के 2 दिन के भीतर मेरी मुलाकात महाराज जी के आश्रम में एक महिला से हुई। हमारी शादी महाराज जी के हनुमान मंदिर के सूर्य कक्ष में हुई और हम 20 साल के लिए अवयोज्य बन गए। बहुत सालों से मुझे अपने दिमाग की गहराई से पता था कि मैं एक बहुत ही खास औरत से मिलूँगा और हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे, एक साथ दुनिया की यात्रा करेंगे। महाराज जी और
उनके सत्संग की सेवा करेंगे और एक साथ खुश रहेंगे। महाराज जी ने मेरे लिए सब इतना मुश्किल इसलिए बनाया ताकि मैं कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित हों जिसका परिणाम बहुत ही अद्भुत हो। मैं अपना जीवन अध्ययन और महाराज जी की सेवा के लिए अर्पित कर पाया और मेरी पत्नी और मैंने कई वर्षों तक महाराज जी की लीला के मार्ग का पालन किया। मेरी पत्नी शरीर त्याग कर अब महाराज जी के साथ है, लेकिन मैं महाराज जी की कृपा से जो प्रेममयी दुनिया मेरे आसपास रची जाती है उस पर मोहित होते हुए महाराज जी के साथ उसी मार्ग पर आज भी चल रहा हूँ। हर रोज़ महाराज जी की कथाएँ सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।